वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बड़े अपसेट्स जो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुए। पहला अपसेट तो था जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया 69 रन से, जबकि इंग्लैंड एक डिफेंडिंग चैम्पियंस है इस वर्ल्ड कप का। तो बहुत अनबिलीवेबल था इस बात को एक्सेप्ट करना कि इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गया है। इसमें अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने भी 80 रन्स बनाए 57 बॉल्स से, जिसकी वजह से अफगानिस्तान एक कम्पिटिटिव स्कोर बना सका 284 का। और जो बाकी की जॉब थी वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने की, जिसमें मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी ने 8 विकेट्स लीं। और अफगानिस्तान के जो पेसर्स हैं फजल हक फारूकी और नवीन उल हक, दोनों ने 1-1 विकेट ली और वो इतने इकनॉमिकल भी नहीं थे। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की जो हार का रीज़न है वो ये है कि जो उनका कैप्टन है जॉस बटलर, उसने टॉस का डिसीजन जो है वो हल्का सा गलत लिया बॉलिंग का, क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि अंडर द लाइट्स बैट वुड इजीली कम ऑन द बॉल वुड इजीली कम ऑन द बैट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सेकंड इनिंग्स थी वो फेवर में गई पेसर्स और स्पिनर्स के, तभी अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया। जो दूसरा इस आलमी कप का अपसेट हुआ वो हुआ नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया। जैसे कि हमारे व्यूवर्स जानते होंगे कि लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप 2022 था, उसमें भी नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से हराया। लेकिन इस दफ़ा बहुत से लोगों को लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑन पेपर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी और जो उनके प्रीवियस 2 मैचेस हुए उन्होंने बहुत फिनोमिनली खेले और ह्यूज मार्जिन से उन्हें विन हासिल हुई। जैसे कि श्रीलंका को भी उन्होंने 102 रन से डिफीट किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 134 रन से जीते। उन्होंने अपनी इनिंग्स को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, उनके पेसर्स जो हैं वो ऑन स्पॉट थे, जैसे कि कगी सोराबारा, लुंगी नीलगिटी और मार्को यानसन। लेकिन फिर नीदरलैंड्स के जो बैटर्स हैं, जिसमें स्कॉट एडवर्ड्स, वैंडर मर्वी और यान डट ने आखिरी के 9 ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग की, 105 रन जो हैं वो कंसीड हुए। स्कॉट एडवर्ड्स जो उनका कैप्टन है, उन्होंने प्रेशर में एक बहुत अच्छा नॉक खेला, उसने 78 रन स्कोर किए 69 बॉल्स पे। फिर जब स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो लग रहा था कि चेजेबल टारगेट है, लेकिन फिर वैंडर मर्वी ने स्ट्राइक किया और उसने 3 विकेट्स ली। फिर कॉलिन अक्रमन और पॉल वैन मैकरन ने भी अर्ली विकेट से प्रोवाइड किया। डेविड मिलर और हेनरिच कलासिन की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई 45 रन्स की, जिसमें हमें लग रहा था कि अब हो सकता है मोमेंटम साउथ अफ्रीका की तरफ आए, लेकिन फिर हेनरिच कलासिन जो है वो आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे और बॉल जो है वो स्ट्रेट चली गई टू द फील्डर जो कि फाइन लेग में थे। डेविड मिलर भी अपनी हाफ सेंचुरी को मुकम्मल नहीं कर सके, वो 43 रन्स बना के 52 बॉल्स पे आउट हो गए। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने जो ये मैच हारा उसका रीज़न ये था कि उन्होंने आखिरी के 9 ओवर्स में 105 रन्स कंसीड किए और आखिरी की इसकी वजह ही मिस फील्डिंग थी, जिसने साउथ अफ्रीका को ये मैच कॉस्ट किया। आगे आने वाले वक्तों में हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और मैचेस जीतेंगे। यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए धर्मशाला स्टेडियम की, जिसमें साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच हुआ, वो एक बहुत अच्छा नाइट व्यू दे रहा था। इसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए BCCI को कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले अपने ग्राउंड्स को जिस तरीके से डेवलप किया है, इट इज़ अमेजिंग। और जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो उनसे कुछ सीखें और अपने ग्राउंड्स को डेवलप करें, ताकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्हें हमारे मुल्क में हमारे स्टेडियम्स में आके भी खेलना अच्छा लगे। थैंक यू।